जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप इसकी जो है कटिंग क्यों करवा रहे हैं सर्दियों के मौसम में? वालेकुम अस्सलाम, इसकी कटिंग इसलिए करवा रहे हैं कि सर्दियों में ना इसके बाल, ये सोता है ब्लैंकेट में, इसके बाल उतरते हैं तो फिर वो सांस के साथ अंदर जाती हैं तो उससे इरीटेशन होती है, तो इसलिए करवा दें क्योंकि ये सर्दी, ये सोता ब्लैंकेट में ही है, ओपन नहीं सोता, तो इसलिए फिर हम इसकी कटिंग जो है ना टाइमली करवा देते हैं क्योंकि बिस्तर में भी सो जाता है, घर में बाल नहीं इसके उतरते हैं। तो वो हाँ जी, हीटर का हमने पूरा इसका इंतज़ाम किया हुआ है। इससे होता ये है कि अगर आप इसकी कटिंग नहीं करवाते वो बाल उतरते रहते हैं तो नज़र नहीं आते, तो वो फिर जब आपके सांस के साथ अंदर जाते हैं तो जिनको कोई प्रॉब्लम हो, एलर्जी कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसको एलर्जी हो सकती है, सवेर किस्म की एलर्जी हो सकती है, इसलिए टाइमली इनकी जो कटिंग है वो उनको बात वगैरह टाइमली और कटिंग इनकी करवा लेनी चाहिए। बाहर नहीं जाती? हाँ जी, ये बाहर नहीं जाती, ये घर पे ही रहती हैं, इसलिए इनकी हम कटिंग करा देते हैं, इनको घर पे सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, और अगर बाहर इनको लेके जाना हो तो सिर्फ गैराज तक जाते हैं, उसके बाद ही अंदर आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फुरकान आरिफ, और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सर्दियों में आप लोग कैट की जो कटिंग है वो करवा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ओनर ने बताया कि वो कुछ लोग जो होते हैं वो कैट के डैंड्रफ होती है, उससे एलर्जिक होते हैं, और कुछ लोगों को जो बाल हैं वो घर में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होते, कैट की शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है रज़ाइयों के ऊपर, सोफ़ों के ऊपर, हर जगह बाल ही बाल होते हैं, तो कुछ लोग जो है प्रेफर करते हैं कि हम लोग इसकी कटिंग करवा दें, शेव करवा दें। तो इसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी कैट कम्प्लीटली इनडोर है और हीटेड इन्वायरमेंट के अंदर रहती है तो इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं होता। लोग समझते हैं कि सर्दियों में अगर हम कटिंग कराएंगे तो कोई मसला होगा, इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आप कैट इंडोर रखते हैं, उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं तो किसी तरह का कोई इशू नहीं आता। बट हाँ, अगर आपकी कैट आउटडोर जाती है या आउटडोर उसकी इन्वायरमेंट है जो बाहर जाती है, भाग जाती है या बाहर कुछ टाइम गुजारती है, तो उस तरह की कैट के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉट जो है इनको सर्दी गर्मी दोनों से प्रोटेक्ट करता है। बट इन सम सर्कमस्टांसिस अगर कोई इन्फेक्शन है स्किन के ऊपर या इस तरह की कोई डिजीज़ है या आपको वैसे उसके हेयर्स के साथ मसला है या बहुत ज़्यादा शेडिंग है, तो आप करवा सकते हैं सर्दियों के अंदर भी कटिंग, उसमें अंदर भी कोई मसला नहीं है। होपफुली वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।